नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू बड़े घर की बेटी रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जी। दिस इज पार्ट टू वीडियो। लिंक ऑफ पार्ट वन वीडियो इज गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आनंदी, श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी, उसका मानना था कि अगर कोशिश करने पर भी अगर सम्मिलित परिवार, संयुक्त परिवार में झगड़े हो और जीवन निर्वाह ना हो पाए अच्छे से, तो हमें जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अपनी खिचड़ी अलग ही पका लेनी चाहिए, मतलब हम अलग घर बसा सकते हैं। इस तरह का मानना आनंदी का था। आनंदी कौन है? आनंदी श्रीकंठ सिंह की पत्नी है। वह एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उच्च कुल, बड़ा परिवार, बड़ा खानदान। उसके बाप, उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकेदार, तालुका मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो बिगर जमींदार, एक बड़े जमींदार थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे। विशाल भवन, उन आनंदी के मायके में क्या क्या था? आनंदी के मायके में विशाल भवन था, बड़ा घर था, एक हाथी, तीन कुत्ते, झाड़ फानूस, बाग बगीचे वगैरह, ऑनरेरी मजिस्ट्रेरी। मजिस्ट्रेरी मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जिसका काफी रिस्पेक्ट हुआ करता था। तो ये ब्रिटिश के जमाने में ब्रिटिश लोग ऐसे बड़े तालुकेदार बनाते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और उन्हें उस तरह की उस तरीके सुख सुविधाएं भी मिलती थी, इसलिए कहा गया है ऑनरेरी मजिस्ट्रेरी। और ऋण कहीं ना कहीं एक कुछ लोन भी था उनपे, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ है, ये सभी वहां विद्यमान थे। तो आनंदी के पिता, उनके पास भूप सिंह उनका नाम था, उनके पास विशाल भवन, हाथी, कुत्ते, रिस्पेक्ट और लोन, ऋण थे। ये सब चीजें किसके पास होनी चाहिए? एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के पास होनी चाहिए। वो सारी चीजें उनके पास थी। और आनंदी के पिता का नाम था भूप सिंह। भूप सिंह कैसे थे? वे बड़े उदार चित्त, बड़े मन वाले और प्रतिभाशाली पुरुष थे, टैलेंटेड। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। अभी ये बहुत पहले, आज से शायद 100 साल पहले की कहानी, उस समय का समाज बता रहे, इसलिए लेखक कहते हैं कि दुर्भाग्य से उनको एक भी लड़का नहीं था। तो भूप सिंह को सारे लड़कियां ही थी और आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। आनंदी अपनी बाकी की बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी और ज्यादा गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे, मतलब वह अपने पिता की लाडली थी। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। तो लेखक का मानना है कि अगर संतान सुंदर हो और गुणवान हो तो शायद माता पिता उन्हें शायद अधिक प्यार करते हैं, ऐसा लेखक का कहने का तरीका है, लेखक का मानना है। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे। यहाँ ठाकुर साहब कौन? ठाकुर साहब भूप सिंह को कहा गया है। बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करे। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। तो वे चाहते थे कि कम खर्चे में, क्योंकि उनकी चार बेटियां थी, तो कम खर्चे में उसकी शादी हो जाए, ऋण का बोझ बढ़े, ऐसा भी नहीं चाहते थे वो। और उन्हें ये भी स्वीकार नहीं था कि कहीं आनंदी को ये ना लगे कि अरे मैं कितनी भाग्यहीन हूं, मैं कितनी अनलकी हूं, मतलब उसे अच्छा परिवार मिल जाए शादी के लिए। ऋण का बोझ, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि ऋण एक तरह की जिम्मेदारियां नहीं बढ़ाना चाहते थे वो, और जिम्मेदारी ना बढ़े और उसको अपने आप को अनलकी, भाग्यहीन भी न समझे, इस तरह से वो हमेशा चिंतित रहा करते थे। तो एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए, स्वभाव पर रिझ गए मतलब मोहित हो जाना, रिझ गए, पसंद आ गया, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भूप सिंह खाली
श्रीकंठ सिंह चंदा मांगने आए तो उनका स्वभाव पसंद आ गया और शादी कर दी। भूप सिंह ने देखा कि नहीं, भूप सिंह ने यह भी देखा कि श्रीकंठ सिंह बीए पास है, उनके पिता बेनी माधव सिंह काफी इज्जत वाले हैं, पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा परिवार है, और वो जब उनके पास से चंदा मांगने के लिए किसी कारणवश आए होंगे तो उन्होंने उनका स्वभाव भी देखा। इन सब कारणों से उन्हें श्रीकंठ सिंह पसंद आ गए और उन्हें लगा कि आनंदी के लिए वो काफी योग्य वर है, और इस तरह से श्रीकंठ सिंह और आनंदी का विवाह हो गया, उनकी शादी हो गई। अब आनंदी आ गई अपने ससुराल में, तो आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और ही देखा। क्या रंग ढंग अलग था? जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मंत्र को भी न थी। टीम टाम मतलब उसे किस चीज की आदत पड़ी हुई थी, उसके घर में जो बनाव श्रृंगार की आदत पड़ी हुई थी, क्योंकि उसका घर बहुत वैभव था, संपन्न था, बाग बगीचे वगैरह, तो जिस श्रृंगार की उसको आदत पड़ी हुई थी बचपन से, जिस तरह से वो रही हुई थी वहां, यहाँ पर उसके ससुराल में वो बिल्कुल नहीं था। वो जो सुख सुविधाएं थी वो भी नहीं थी। उसके मायके में क्या था? हाथी घोड़े। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। तो उसके ससुराल में मतलब श्रीकंठ सिंह के घर पे सजी हुई बहली मतलब बैलगाड़ी तक नहीं थी, हाथी घोड़े छोड़ो। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग बगीचे कहाँ जहां वह सैर करती, तो उसके ससुराल में कोई ऐसे बाग बगीचे नहीं थे जहां पे वो सैर करती। मकान में खिड़कियां तक न थी। कौन से मकान में? ससुराल में जो उसका घर था आनंदी का, उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां नहीं थी जो रोके हुआ करते थे। गांव के जो मकान थे उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां नहीं थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। न जमीन पर फर्श, इट डजंट मीन कि वो फ्लोरिंग नहीं थी, मतलब कि जमीन पर जो मार्बल और जो बड़ी बड़ी टाइल्स होती है वैसा नहीं, बेसिक सा फ्लोर था। इसलिए कहते हैं कि न जमीन पर फर्श था, न दीवार पर तस्वीरें, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी नहीं थी। तो उसका ससुराल कैसा था? एक सीधा साधा देहाती गांव का गृहस्थ मकान था, परंतु आनंदी थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। मतलब आनंदी के मायके और ससुराल में बहुत फर्क था। मायके में बहुत अलग से साज सज्जा, बड़ा मकान वगैरह था, पर थोड़े ही दिनों में आनंदी ने अपने स्वभाव उसका इतना अच्छा था कि उसने अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल ढाल लिया था। जैसे उसने विलास, विलास के सामान मतलब लग्जूरियस चीजें कभी देखी ही नहीं थी, आराम की जो चीजें वो कभी उसने देखी ही नहीं थी, उसने सादी चीजों को भी अपना लिया था। अब देखते हैं आगे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह, लाल बिहारी श्रीकंठ सिंह का छोटा भाई, दो चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, भावज मतलब भाभी। श्रीकंठ सिंह का छोटा भाई लाल बिहारी, तो आनंदी कौन हुई? आनंदी उसकी भाभी हुई, भैया भाभी। तो अपनी भाभी से बोला मतलब आनंदी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। तो आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। आनंदी का खाना दोपहर तक ऑलरेडी बन गया था और वो उसकी राह देख रही थी। पर अब जब लाल बिहारी ने दो चिड़िया मतलब दो मुर्गी हम कह सकते लाके दिया कि ये बना दो, तो वह फिर से नया व्यंजन बनाने बैठी। उसका खाना बन गया था फिर भी वह नया व्यंजन पकवान बनाने बैठी। हांडी, हांडी मतलब बर्तन जिसमें खाना बनाया जाता है। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था, मतलब बर्तन में उसने देखा तो घी कितना था? पाव भर। पाव भर मतलब नियर अबाउट 250 grams, तो पाव भर से अधिक घी नहीं था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने,
किफायत मतलब बचत, मतलब थोड़े में निभाना, थोड़े में संभाल संभाल के यूज करना। तो बड़े घर की बेटी थी, पैसों वालों की बेटी थी आनंदी, तो किफायत क्या जाने। ये एक शैली है राइटर लेखक की लिखने की। उसने सारा घी क्या किया, मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था, क्योंकि आनंदी ने जो पाव भर घी था वह सारा घी मांस में डाल दिया था, जो नॉनवेज पका रही थी उसमें उसने डाल दिया था, तो अब दाल के लिए घी नहीं बचा था। तो लाल सिंह बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, मतलब दाल के लिए घी क्यों नहीं रखा है। आनंदी ने कह दिया, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उड़ गया, मतलब इतनी जल्दी खत्म हो गया। परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले ही तो घी आया था, इतने में खत्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। कुछ पाव भर, तो आनंदी के लिए पाव भर घी कम है, क्योंकि वो बड़े घर से आई थी, पैसे वाले घर से, संपन्न घर से आई थी। तो उसने कैजुअली कहा कि थोड़ा सा घी था, मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी, ड्राई सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, फटाक से उसमें आग पकड़ लेती है, उसी तरह क्षुधा से बावला, भूख से पागल मनुष्य जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है, तिनक जाता है। तो लाल बिहारी भूखा था, आनंदी ने ऐसे पलट के जवाब दिया। तो लाल बिहारी को भावज यानी भाभी की यह ठिठाई, यह मजाक बहुत बुरी मालूम हुई, उसे कुछ पसंद नहीं आया भाभी का मजाक करना या जवाब देना। तो तिनक कर बोला, गुस्से में बोला, मैं तो जैसे घी की नदी बहती हो। तो वो उसको सुना दिया कि तुम्हारे मैके में तो जैसे घी की नदियां बहती हो। अब स्त्रियां गालियां सह सकती है, मार भी सह लेती है कभी कभार, पर अपने मैके, अपने माँ बाप के घर की, और वो जहां पहले रहती थी शादी से पहले, उसे मायका कहते, तो अपने मायका की बुराई पसंद नहीं करती है। तो आनंदी मुंह फेर कर बोली, आनंदी स्वाभिमानी थी इसलिए वो मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो नित्य नाई का हर खा जाते हैं, तो अगर हाथी मरा भी तो 9 लाख का। इस कहावत का मतलब है कि हाथी की कीमत बढ़ गई मरने के बाद, जितनी जिंदा हाथी की नहीं है उतनी मरे हुए हाथी की कीमत 9 लाख की हो गई। मतलब घी अब खत्म हो गया, तो सिर्फ पाव भर घी था, अब उसका इतना ज्यादा कीमत हो गई उसकी। तो वो कहती है कि इतना सा घी, पाव घी तो मेरे वहां पे नाई कहार, मतलब नौकर चाकर ही खा जाते थे। लाल बिहारी जल गया, जल गया मतलब गुस्सा हो गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, थाली फेंक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लो, मतलब तुम्हारी जीभ ही खींच लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, उसका मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होती तो आज इसका मजा चखा देते। मतलब जिस तरह से लाल बिहारी ने थाली फेंकी, तो आनंदी बोलती है कि अगर वे होते, वे मतलब श्रीकंठ सिंह होते, आज आपको सबक सिखा देते। अब अनपढ़ उज्जट लाल बिहारी से रहा ना गया, अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं था, उज्जट जो मन में आए वो बोल देता था, ऐसे लाल बिहारी से रहा ना गया। सी यहाँ पे लाल बिहारी के चरित्र चित्रण में आप लोगों को ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी। खड़ाऊ, खड़ाऊ क्या होता है, खड़ाऊ लकड़ी से बनी हुई, पुराने जमाने में जो चप्पल यूज करते थे, जिसे हम पादुका कहते हैं, जो लकड़ी की बनी हुई होती थी, पहले जो ऋषि मुनि यूज करते थे वैसी लकड़ी की बनी हुई, सिर्फ एक थंब पकड़ने का, उसमें एक थंब के लिए एक जगह रहती है ऐसे, उस टाइप की, और ऐसे पादुकाएं कहते हैं उसे, जो ऋषि मुनियों पहनते थे, उस तरह की
इस तरह की जो चप्पल लकड़ी से बनी हुई रहती थी उसे पादुका कहते, उसे खड़ाऊ कहते। तो वैसी खड़ाऊ उठाकर उसने, लाल बिहारी ने जोर से फेंकी और बोला, जिसकी गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। मतलब तुम जिस पे इतना अभिमान कर रहे हो उस श्रीकंठ सिंह को भी देख लूंगा और तुमको भी। तो यहां हमें समझ में आता है कि लाल बिहारी को बहुत भूखा था और बहुत गुस्सा भी आ गया जब आनंदी ने उसको पलट के जवाब दिया। तो अब वो बिना सोचे समझे उसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है कि मैं श्रीकंठ सिंह को भी देख लूंगा, जबकि वो तो श्रीकंठ सिंह से बहुत प्यार करता था, पर मैं उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, तो जैसे ही लाल बिहारी ने खड़ाऊ उठा के फेंकी तो आनंदी ने हाथ से ऐसे रोक ली। सिर उसका बच गया आनंदी का, पर उंगली में काफी चोट आई क्योंकि वो वुडन की बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी। क्रोध के मारे आनंदी को बहुत गुस्सा आया, हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई, उसे इतना क्रोध आ रहा था कि वो लिटरली शिवर कर रही थी। वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। मतलब क्या? स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है, तो लेखक कह रहे हैं कि क्रोध स्त्री का बल होता है, स्त्री की शक्ति होती है। जैसे ही अगर स्त्री को क्रोध आया तो वो उसकी एक तरह से उसका गुस्सा उसकी शक्ति होती है, वो कुछ ठान लेती है और वो करके दिखाती है। पर पुरुषों के मामले में क्रोध आना कहीं ना कहीं उनके घमंड के कारण उन्हें क्रोध आ जाता है, ऐसा लेखक का कहना है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। आनंदी कुछ नहीं कर सकती थी, उसको ये अपमान सहन करना पड़ा, इसलिए वो कह रहे कि आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, वो कुछ कर नहीं पाई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये झगड़ा अब आगे कहां तक जाता है। इफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर टिल हियर, प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।